रिलेट कर पहले क्या बोल रहा हूं कि बताएगा यहां पे 2020 में किस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कोविड वेरी गुड वेरी गुड सो पैंडेमिक और कोविड 19 2020 में चालू हुआ मार्च में हिट किया हमारे कंट्री को पूरे वर्ल्ड को जो सबने देखा और सबने नोटिस किया कि जो शिफ्ट आया आफ्टर 2020 मई जून बहुत लोगों ने एक चीज नोटिस किया बहुत बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आया बहुत सारी चीजों में तो पता है क्या चीज शिफ्ट आया क्या चेंज हुआ मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सब ऑनलाइन में गुड एनीवन एल्स कोई तो कुछ रिस्पॉन्स है किसी को नहीं पता कोई 2020 को जगह वाली था क्या इंटरेक्ट करने से मन लगेगा बोरिंग नहीं लगेगा सेशन में वही बता रहा हूँ सबको मैं भी वही फेस से निकला हूँ जहाँ तुम लोग बैठे हो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ वहां से निकले हो इंटरेक्ट करोगे इंटरेस्टिंग लगेगा सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा कुछ तो का नॉलेज नया 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 तुम लोग भी सीखोगे सो यस किसी क्या बारे में बात करो जैसे उसने का आंसर दिया और किसी के तरह से कुछ आंसर क्या शिफ्ट आया चलो कोई बात नहीं जो शिफ्ट का बात कर रहा हूँ मैं जो चेंजेस का बात कर रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन जो आया तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल वर्ल्ड ठीक है अब पहले मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं या डिजिटल वर्ल्ड के बारे में कुछ जानते हैं एनी डेफिनेशन एनीथिंग एनी पीपल कैन रिलेट कोई रिस्पॉन्स करना चाहेगा कुछ प्लीज फील फ्री टू आंसर इट यस प्लीज सर डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन वर्ल्ड के थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं दैट कैन बी डिफाइंड एज ओके नाइस यस यू सर डिजिटल मार्केटिंग के दौरान किसी भी मार्केटिंग को अपना व्यापार अगर स्टार्ट किए हैं तो उसके जरिए हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं हमारे मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है हमारे प्रोडक्ट कैसा है और हमारे सेल्स हमारे प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स उसके जरिए हम और लोगों को बता सकते हैं
डिजिटल मार्केटिंग क्यों, व्हाई? किसी के पास आंसर है अपार्ट फ्रॉम द स्लाइड आप छोड़ के बोले, किसी को लगता है कि क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए? एनीवन पीछे से कोई आंसर देना चाहिए? सॉर्ट आउट करते जब है तो अपने सॉर्ट आउट करते अपना एक नया चैलेंज आ जाता है।
फर्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज जो मुझे लगता है यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड टारगेटिंग रेलेवेंट ऑडियंस। एक तो अपना ऑडियंस समझना कि आपके कौन टारगेट ऑडियंस है, रेलेवेंट ऑडियंस है, वो समझना और उनको टारगेट करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। पर अपने विद टाइम अगर अपने को पता है अपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करना, देन वी कैन कम विद अ सॉल्यूशन और हम उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन क्रिएटिंग कंटेंट दैट पीपल वांट, क्या है कि कंटेंट क्रिएट करना और क्यूरेट करना और उसको यूज करना ताकि लोगों से एंगेजमेंट बढ़ सके अपना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे मुझे लगता है सबको कुछ ना कुछ रील्स बनाते होंगे। yes. सब बनाते रील्स, पर मुझे दो तीन लोगों का आवाज आ रहा है कि हाँ वो लोग बनाते, बाकी लोग भी बनाते बनाते हैं। तो उसमें कंटेंट में एंगेजमेंट आता है क्या? आता है, वेरी गुड, मतलब कंटेंट बहुत अच्छा बना है। अब क्या होता है कि अगर आप जो बिजनेस के बाद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, मेन पर्पस आपका क्या होता है, कंटेंट ऐसा क्रिएट करना कि लोगों से वो एंगेजिंग हो सके। एंटरटेनिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और एंगेजिंग, अगर एंगेज नहीं करेगा लोगों से ना तो आपका रीच और रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं आएगा। सो दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन चैलेंज कि अपने को अंडरस्टैंड करना। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट और अंडरस्टैंड नया टेक्नोलॉजी या नया ट्रेंड जो आ रहा है। आज क्या कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आते ही रहता है, आप लोग सबको देखा अभी कच्चा बादाम का ट्रेंड चला अभी अपने गाने पे, लोग नहीं देख रहे हो क्या कुछ भी रील्स वगैरह? ट्रेंड देख रहे हो क्या चल रहा है? कुछ साल पहले अलग ट्रेंड था, हाँ एग्जैक्टली, कुछ साल पहले श्रीवल्ली वाला ट्रेंड था, अभी ट्रेंड पूरा चेंज हो गया। तो ये सब चीज क्या है, मैंने ऑडियो भी यूज करता है, अपने ट्रेंड में फिट नहीं कर पाते ना तो अपने वो पीछे हो जाते। तो अडॉप्ट करना और समझना और यूज करना इस ट्रेंड को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपना मेन कंसर्न एक बार यहाँ है कि अपना मैंने वेबसाइट अगर कभी क्रिएट करता है कुछ कंटेंट, वो लोगों तक पहुंचाना या लैंड कराना लोगों को उस जगह पे, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज जो हम फेस करते रहते हैं इस फील्ड में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अपने आते ब्रांचेस, अपने पास कितने सारे ब्रांचेस है, अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास क्या क्या एबिलिटी है प्रोडक्ट्स यूज करने का। देन यहाँ पे लिखा हुआ है SEO, SMM, SEO सुने होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत लोग सुने होंगे, फैमिलियर टर्म SMM सुने होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग फैमिलियर है, ग्राफिक डिजाइनिंग सुने होंगे आप लोग बहुत, आप लोग तो जानते भी होंगे ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है क्या नहीं है। देन मीम मार्केटिंग बहुत लोग देखे होंगे, आइडिया है किसी को? कोई बताएगा क्या होता है मीम मार्केटिंग? फिल्म भी बन गया, मीम के तो फिल्म भी बन गई। हां हां वो तो देख रहा है, बहुत सारे अभी तो चालू हो रहे हैं सब चीज। Yes, किसी को कोई बता पाएगा मीम मार्केटिंग क्या होता है? सर पहले चाचा चौधरी और साबू का आता था न्यूज़पेपर्स में, अभी इस तरीके से कोई मीम वगैरह निकल गया जो भी ट्रेंड पे होता है, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है यूपी का, तो उधर मीम के थ्रू एक भी डांस देख के, जिसमें कि शिवाली वाला एक उसका एक गाना था या काचा बादाम का गाना था, उसमें कार्टून बना दिया और फिर उसके थ्रू जो जो भी बताना चाहते हैं। करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। आई वॉन्ट समवन टू इंटरेक्ट फ्रॉम बिहाइंड, यार थोड़ा इंटरेक्ट करो कुछ तुम लोग के एंड से। मीम मार्केटिंग क्या होता है सर? मीम मार्केटिंग जनरली लोग आज के जमाने में देखते हैं कि आज तक का एक शो चलता है जिसका नाम आई एम सॉरी सो सॉरी सर, वो शो में हमें बहुत सारे पॉलिटिकल और गतिविधियों के बारे में हम लोग बताया जाता है। और सर ऐसे में हम लोग अगर देखें तो हम सब इंस्टाग्राम चलाते हैं सर, इंस्टाग्राम में ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी मीम आती है जो कि हमें और सब चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे कि मैगी खाने से क्या हो सकता है, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाने से, या फिर और भी कुछ अलग अलग चीज़ के बारे में बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सर लोग कुछ लोगों को आइडिया है मीम मार्केटिंग वगैरह क्या होता है, करेक्ट, सबको हम लोग का आइडिया नहीं है, चलो बढ़िया है। इसी बारे सबको धीरे धीरे आइडिया लग रहा हो कि क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने और भी चीज मेंशन किया, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सब अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग टूल्स है जहाँ पे अपने प्रमोशन कर सकते हैं। एंड देन वन ऑफ आवर यूएसपी जो डीजी मार्क इंडिया का भी यूएसपी था, इसको 360 वर्चुअल टूर जो हम यहाँ पे करते हैं, और हमारे जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मैच कराना बहुत डिफिकल्ट है बाकी क्लाइंट जो भी हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनसे। तो ये सब अलग अलग ब्रांचेस है हमारे, और आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सुना होगा कुछ कुछ लोगों का, मुझे फिर ये सारा मेरे को पर्सनली लगता है कि जो अपना ग्रोथ इस सब फील्ड से
प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल में होता है ना, वो कहीं नहीं होता मेरा ये मानना। और मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत लोग चाहते हैं कि अपना ग्रोथ प्रोफेशनल और पर्सनल फील्ड में पहले चाहते हैं कि नहीं लोग मानते लोग अपने ये चीज ओके। सो दिस इज वन ऑफ द मेन अपॉर्चुनिटी। देन सेकंड इज द पावर टू इन्फ्लुएंस मास मीडिया। अगर आपको मौका मिले, जैसे मैं सेमिनार ले रहा हूँ, अगर आपको भी मौका मिले कि आप यहाँ पे सेमिनार वर्क करें, एक्सपीरियंस करें और उसी के थ्रू ग्रो करें, साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करें।
देन सबसे मेन चीज आता है जो मुझे भी अच्छा लगता है, नया टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करना। अगर आप माने आज के टाइम में नई चीजों से अडॉप्ट नहीं कर रहे ना, आप पीछे चलना चालू होगा। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैंने कुछ नया चीज देखा, मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं है, मैं कितना पीछे हो गया। मैं उसी दिन उसके बारे में समझता हूँ और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। हर दिन आज के टाइम पर कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है। आपके पास फोन है, सबके पास स्मार्टफोन, उसमें अपडेट आता है। अपडेट का पर्पज क्या है कि नया चेंजेस उसमें आ रहा है। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, मैंने अगर आप व्हाट्सएप 3 महीने तक अपडेट या 6 महीने तक अपडेट नहीं करेंगे, व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। ये हमारे कली के साथ हुआ वाकई। तो ये अपडेट होना जरूरी है और टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट होना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय टीममेट मिस्टर अंकित, जो कि यहाँ का ग्रेजुएट है, और वो थोड़ा बताएगा कि क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग और उसका पावर क्या है। सो प्लीज अंकित। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर नहीं बोल रहा। तो 1821 से हम पास आउट हैं और आज देखा जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जिस कॉलेज से पढ़ के निकले थे आज उसी कॉलेज में हम यहाँ पे आए हैं एक सेमिनार में, जिसमें हम बताने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट का थैंक यू करना चाहते हैं, हम लोग को इतना बड़ा चांस मिला जहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के बारे में बता सके। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे सबको ही मास कॉम डिपार्टमेंट से, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं। लाइक कुछ भी अगर कुछ माइनर सा भी डिटेल्स पता है, कभी सुना हो, एनीवन? ओके, अब मुझे एक्चुअल में अपने क्लास का याद आने लगा, जब पता होता था कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। ओके, नेवर माइंड। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में हम लोग जब भी सोचते हैं, अपने दिमाग में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, या तो कुछ कॉमिक से रिलेटेड चीज़ है, या तो कुछ पोस्टर से रिलेटेड चीज़ है, या फिर कुछ कूल एनिमेशन जो हम लोग देखते रहते हैं छोटे से लेके जब बड़े हुए। तो बहुत सारे एनिमेशन हैं जो हमने देखे हैं। लाइक मेरा फेवरेट अगर बोला जाए तो बेंटेन था, अभी भी कहीं ना कहीं फेवरेट ही है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में अगर बोला जाए, तो अगर आप किसी विजुअल को सोच रहे हैं, उसको अगर आप विजुअल फॉर्म में ला के दे रहे हैं किसी को, तो उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोल सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता है। अगर मार्केटिंग में आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको आपको अपने ब्रांड के साथ रिलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही फिर सबको को दिखाना पड़ेगा, ताकि जो पब्लिक है वो उस ग्राफिक को देख के रिलेट कर सके और कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ के साथ उसको यूज़ में ला सके। तो मुझे ये बताओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है या फिर किसी को कुछ जानना है? एनीवन? कोई नहीं, सॉरी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो स्कोप है, इस स्लाइड के बाद ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में और कुछ अगर जानना है तो बताओ। ठीक है, टाइम खड़े होके मत सोचो। देखो, पॉलिटिक्स में जितना भी होता है सब एक मीडिया एजेंसी को मिलता है। हर मीडिया एजेंसी कोई ना कोई चीज़ का ग्राफिक वर्क हैंडल कर रहा होता है। जोमेटो यहाँ पे कौन कौन यूज़ करता है, ठीक है? आई गेस यहाँ पे अगर रांची के नहीं और अगर रांची में रह रहे हो तो कभी ना कभी जोमेटो सबको यूज़ किया ही है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा नोटिफिकेशन आया है जिसको देख के बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा हो? प्यास लग रही है, हो ही नहीं, खाना मंगा लो, ठीक है? वैलेंटाइंस डे हो या फिर कोई भी नॉर्मल डे हो, जोमेटो का जो कैंपेन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो भी सारी चीज़ें वो नोटिफिकेशंस में आती हैं, लेकिन अगर तुम उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाओगे तो तुमको और भी बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स मिलेंगे जो ग्राफिक से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के पीछे एक टीम का हाथ होता है जो सारी चीज़ें प्लान करती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल टीम हो या फिर कोई भी अलग कैटेगरी हो। तो वहाँ पे एक टीम बैठती है, वो सारी चीज़ें प्लान आउट करती है और फिर उसको फिर स्टेज पे लाया जाता है सारी चीज़ों में। तो ग्राफिक्स के बारे में अभी तुमने पूछा लाइक स्कोप क्या है, तो ये जो स्लाइड है ये भी ग्राफिक्स से बना हुआ है, ठीक है? एंड आगे जाके जितनी भी सारी चीज़ें होने वाली हैं सब ग्राफिक्स में ही होती है। अभी VR आने वाला है, तो VR में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ग्राफिक्स में होने वाली हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ड्राइंग आना
सॉरी मेरा इंग्लिश ऑनर्स है और ना ही मैंने कोई कोर्स किया है. जो भी सीखा मैंने सब यूट्यूब से सीखा. ड्राइंग आना जरूरी है. ओ ड्राइंग. देखो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी फील्ड है, मैं उसी के बारे में भी बात करने वाला हूँ. तो जैसा तुमने बोला ड्राइंग आना जरूरी है, तो वो एक इलस्ट्रेटर में आता है. ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेटर में फॉल करता है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलस्ट्रेटर डिमांड करती हैं, उनको कोई कैरेक्टर का एनिमेशन चाहिए होता है या फिर वेक्टर चाहिए होता है, तो वो चीज़ तुम्हारा इलस्ट्रेटर में आता है. और ये चीज़ जो होता है वो कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज माउस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है. इसके लिए तुम्हारे पास एक ग्राफिक टैबलेट होना चाहिए, नहीं तो एक आईपैड होना चाहिए. ठीक है. और अगर तुम चाहो तो सीख सकते हो. अभी मैंने खुद इलस्ट्रेटर सीखना स्टार्ट किया है, बिकॉज मेरा जो मेन हाईलाइट है वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में ज़्यादा जाता है और ग्राफिक डिज़ाइनर में ज़्यादा जाता है. तो यहाँ पे मैंने चार चीज़ें लगाई हैं. तो चार चीज़ों में से ऐसा कोई भी टर्म है जो आप लोगों ने पहली बार सुना हो या फिर इससे पहले भी सुना हो? यूआई यूएक्स. तो ये आपने कहाँ पे सुना था यूआई यूएक्स? अच्छा नहीं सुना है. ओके माय बैड. और इसके अलावा तो यूआई का पहला बात फुल फॉर्म होता है यूज़र एक्सपीरियंस, सॉरी यूएक्स का होता है यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई का होता है यूज़र इंटरफेस. अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं वो बताओ. लाइक रेडमी यूज़र्स एक होंगे, एक एप्पल यूज़र्स होंगे, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब कोई का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, राइट? या एक iOS हो गया, एक फिर आपका फन टच हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया. तो ये सारी चीज़ें आती हैं यूएक्स में, वो यूज़र एक्सपीरियंस है. और ये जो UI UX है ये आपके वेबसाइट में यूज़ होता है, ऐप में यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ों को एक जन ही डेवलप करता है और उसका नाम है UI UX डिज़ाइनर. तो अगर आप वेबसाइट भी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको UI UX डिज़ाइनर से कंसल्ट करना होगा, वही आपको सारी गाइडेंस देंगे और फिर आपका वेबसाइट रेडी होगा. नेक्स्ट थिंग इज ग्राफिक डिज़ाइनर. तो आप मुझे ये बताओ ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता होगा. लाइक आपने बोला ये टर्म आप सुन चुके हैं इससे पहले, तो आप बताइए इसमें क्या क्या काम होता हो. श्योर. देखो तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत बड़े टीचर्स आए हुए हैं. मैंने जैसे बताया लाइक मैं इस साल ही ग्रेजुएट हुआ बॉस्नर से, तो आई कैन रिलेट. ठीक है, तो कुछ भी अगर थॉट आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करो, आई विल बी वेरी हैप्पी. ओके लोगो. और कुछ? पोस्टर डिज़ाइन. करेक्ट. पीपीटी या पीपीटी एनिमेशन. करेक्ट. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी हो सकती है. तो ठीक है, तो जितने भी आंसर्स मुझे मिले थे कहीं ना कहीं सही थे. ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं. लोगो हो गया, ब्रोशर हो गया, लाइक PPTs हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ इलस्ट्रेटर, जिसके बारे में मैंने बता दिया. लाइक आगे के स्कोप में अगर तुम देखोगे फ्यूचर में तो भी मेटावर्स आने वाला है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इलस्ट्रेटर पे होने वाली हैं, और जितने भी एनिमेशंस होंगे तुम्हारा खुद का बता रहा है तो वो सारी चीज़ें होंगी. स्नैपचैट यहाँ पे कौन कौन यूज़ करते हैं? सब कोई का एक अपना अवतार हो गई. स्टिक्स के अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे सबका एक अपना पर्सनल अवतार है, तो वो इलस्ट्रेटर से बनाया गया है. उसको तुम एक कैरेक्टर कह सकते हो जो आगे जाके लाइक सबको इसको अडॉप्ट कर ही लेंगे अपने डे टू डे लाइफ में. नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट डिज़ाइनर. एनी आइडिया? तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, अगर ये डायरी है इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, तो या तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा या तो लाइक रेयर होगा. और इसकी पैकेजिंग अगर मैं एकदम ज़्यादा चीप कर देता हूँ, प्राइस एकदम हाई कर देता हूँ, क्या होगा तुम लोग का साइकोलॉजी इसके लिए? सेम. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जो होता है वो लाइक एक प्रीमियम टच देने के लिए होता है, ताकि लोगों को बता सकें कि हाँ ये जैसा पैकेजिंग है वैसा ही प्रोडक्ट है. करेक्ट.
तो लाइक बच्चों की चीज़ों देखोगे तुम लोग, अगर बच्चों का चौकोज आता है ठीक है, तो उसमें ऐसे ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं जिससे बच्चे रिलेट कर सके, उनको अपने हाँ करेक्ट इंटरेक्ट कर सके। तो ये तो मैंने चौकोज का एग्जांपल दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पैकेजिंग लाइक डिज़ाइनर्स अपने नीचे के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो उसके हिसाब से उनको अपना पैकेजिंग देना होगा, और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें उनको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी ताकि जो ऑडियंस है उस चीज़ के साथ रिलेट कर सके। ओके, तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो है इसका आंसर इसी के नाम पे ही छुपा हुआ है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। ओके, तो आगे जो कैंप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। तो यहाँ पे क्रिएटिव मार्केटिंग जो है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मीम मार्केटिंग, इसको अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के साथ टाई करें तो फिर आगे जाके स्कोप्स क्या हो सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट रचित सर टू टेक ओवर। थैंक यू अंकित। सो अपने अब यहाँ पे लास्ट पार्ट में आते हैं, अपने यहाँ पे कवर करना है कि क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन्स। अपने सब चीज़ देख लिए कि अपने क्या क्या करते हैं, अपना स्कोप क्या है, अपना चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या क्या ब्रांचेज है हमारे पास। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या कुछ काम किया है ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि एग्जैक्टली चीज़ होता क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने लिखा क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन्स, कोक वाला सबको ही जानता है। तो उसने कैंपेन अपना निकाला था शेयर अ कोक विद, और यहाँ पे सब कर दिया, फ्रेंड्स फैमिली पापा मामा दादा सबके साथ हम शेयर करिए। इससे क्या हुआ, एक इमोशनल कनेक्ट आया, इमोशनल बॉन्ड आया, लोगों ने रिलेट करना चालू किया और इसको अपना लोगों ने अडॉप्ट करना चालू किया। कोका कोला बहुत हमेशा कुछ ना कुछ नया एडवर्टीजमेंट करते रहता है, कुछ नया कैंपेन लेके आते रहता है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा अपना मीम मार्केटिंग है जो हमने किया था लोगों से कनेक्ट करने के लिए, और हमें बहुत अच्छा कनेक्शन भी मिला था, बहुत अच्छा हमें एंगेजमेंट मिला था इस मीम के थ्रू। क्या था कि गवर्नमेंट ने निकाला कि डिजिटल मार्केटिंग वाले एजेंसी फेसबुक वगैरह सब बंद बैन हो जाएगा, आप लोग सबने न्यूज़ सुना होगा ये आया था। तो ये हमारा हालत था उस समय, वो सब बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा। सर दिस इज परेश रावल, सॉरी दिस इज ये राजपाल यादव रिप्रेजेंटिंग अस। देन पेपर बोर्ड का नाम सबने सुना है, सबने सुना है, यूज भी किया है। सो पेपर बोर्ड ऐसा कंपनी है जो अपना मार्केटिंग का टैक्टिक्स आपका पूरा बेसिक रखता है और पूरा आपको सिर्फ बचपन याद दिलाता है। ये स्लाइड देख के, ये फोटो देख के आपको लग रहा होगा बचपन याद आ रहा होगा। यहाँ पे कोई पेपर बोर्ड को फॉलो करता है क्या? नहीं। आप लोग फॉलो करिए पेपर बोर्ड को, उसका जो कंटेंट है ना आप देख के आपको बचपन याद आएगा अपना, कि बचपन में आप लोग कैसे घर पे रहते थे, मम्मी पापा से कैसे जिद करते थे, कोई भी चीज़ के लिए डांट पड़ने पे दादा दादी के पीछे हम लोग कैसे छिपते थे बचने के लिए मॉम डैड से गलती करने पे। सो ये है हमारे कुछ क्रिएटिव कैंपेन जो हमने निकाले थे, जो अदर कैंपेन जो कंपनीज रिनाउंड कंपनीज है वो लोगों ने निकाली थी। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अपने आते हैं कि अब कैंपेन्स अपने जो बनाते हैं, जैसे ये हमारे कुछ क्लाइंट्स के कैंपेन जो हम आपको शेयर कर रहे हैं और कुछ कुछ अलग अलग कंपनीज के। अब जैसे यहाँ पे आता है मेटा, मेटा का नाम सुना है? Yes. क्या है मेटा? नहीं सिर्फ मेटा, गुड, मुझे लगा एक ही को पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं मुझे लगा। तो मेटा के एड्स, मतलब मेटा हो गया फेसबुक इंस्टाग्राम और इवन व्हाट्सएप भी मेटा का पार्ट है, पर अब तक व्हाट्सएप में एडवर्टीजमेंट उसने चालू नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स अपने बहुत रन होते हैं, देखा होगा आपने। देन यहाँ पे मैं बताया था ईमेल मार्केटिंग में मैंने फोकस किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे BMW गाड़ी पुट अप किया हुआ है, जॉय डेज, ये मेरे क्लाइंट है जिनका हमने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन किया हुआ है। अगर आपको पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, BMW टाइटेनियम ऑटो देखे जो यहाँ के डीलर है। लेकिन देन गूगल एडवर्ड्स, बहुत लोगों ने गूगल के ऊपर एड्स देखे होंगे, क्या कौन कौन जाता गूगल एडवर्ड्स क्या होता है, एनीवन? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारा नॉलेज काफी अच्छा है सब चीज में। सॉरी ओके, तो क्या आप फ्रीलांसिंग करते हो? अच्छा एफिलिएट किसके लिए करते हो? एक कंपनी ओके ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड, सब बहुत अच्छा। अभी से अपना प्लेटफॉर्म इसने सेट किया हुआ है, अभी से अपने आपको ग्रोथ कितना अच्छा ग्रोथ है, ये बहुत रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो हो रहा है कि कितना अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में, रिलेट कर पा रहे हो तुम तो अच्छे से, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। कोई और भी है क्या जो इस सब चीज़ से एसोसिएट है, एसोसिएट होने का प्रेफर करता है? कोई भी नहीं मुझे लगता है यहाँ पर। ओके ओके,
देन यहाँ पे गूगल आर्ट्स बहुत अच्छा इसने बताया कि गूगल आर्ट्स के ऊपर कोई अपने सर्च करे कुछ भी टर्म्स वगैरह जो अपने माने जो कंसर्न कंपनी अगर ऐड रन करे अपने को भी शो करेगा, ठीक है। देन एफिलिएट मार्केटिंग, इसको पता है अच्छे से, सबको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। देन अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं प्लीज। देन अपने यहाँ पे आते हैं कि अपने क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं डिजीमार्क इंडिया, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है। मैंने यहाँ पे वही सब मेंशन किया है, 360 वर्चुअल टूर हम ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, ईमेल मार्केटिंग एंड अलग अलग चीज़ हम जो यहाँ पे ऑफर करें, मोर ओवर एसोसिएटेड विद फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। यहाँ पे आप लोगों के पास मुझे लगता है 1 वीक पहले एक फोटो वाला करके आया था अपने प्लेसमेंट के लिए, आप लोगों को पता होगा मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने ऑफिस में भी आए थे। सो बेसिकली फोटो वाला जो सिस्टम का सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑफ डिजीमार्क इंडिया, हम दोनों साथ में ऑपरेट भी करते हैं और बहुत सारा काम प्रोजेक्ट हमारा साथ में होता भी है। सो दीज आर द सर्विसेज दैट वी ऑफर। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मेरा यहाँ पे है कि मैं बेसिकली एक हम एक फॉर्म भरना चाहता है आप सबसे। तो ये फॉर्म है कि हम चाहते हैं कि और हम लुक कर रहे हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन नियर फ्यूचर इंटर्न करने में या ग्रोथ अपना चाहने में लाइफ में या मैंने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल फील्ड में कि ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, तो यस वी आर ऑफरिंग यू अ इंटर्नशिप ऑफर एंड अ जॉब ऑफर कि आप हमारे साथ आके एसोसिएट हो सकते हैं। तो मैंने आप इसलिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा कि वाई टू वर्क विद डिजीमार्क इंडिया, हमारे साथ आपको क्यों एसोसिएट होना चाहिए या क्या आपको लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा पूरा यंग टीम है, और यंग टीम मतलब यंग क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमारे साथ होते रहता है। हमारा वीकली मीटिंग्स होता है और क्लाइंट के साथ हर मंथ एक मीटिंग होता है जहाँ पे आप नया चीज सीखते हैं समझते हैं। देन इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी आपको चांस मिलता है वर्क करने का। मोर ओवर हमारे पास डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस भी है, हमारे पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बेस भी है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग ग्रोथ के ऊपर फोकस रखते हैं और हम सक्सेस के ऊपर फोकस रखते हैं। हमारा ये है कि हमसे जो एसोसिएट होता है वो ग्रोथ तो करे ही करे, साथ में जितना ज्यादा ज्यादा लाइफ में सक्सीड करे ना हमारे साथ में, हमें मजा उसमें आता है। सो दैट इज वाई दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर शेयरिंग एंड वी आर हेयर फॉर यू एंड यू आर फॉर अस। इफ यू थिंक वी कैन वर्क टूगेदर देन यस यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे हमने एक फॉर्म आपको शेयर किया है, हम चाहेंगे आपका इनपुट्स वगैरह और आपका इंटरेस्ट वगैरह जानने में कि क्या चीज आपको इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है आपको। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट डिजीमार्क इंडिया फोटो वाला जो मैंने बताया आपको, फोटो वाला और हम एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो कि साथ में वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट साथ में कैरी आउट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल फील्ड में इंटरेस्ट है या मैंने कुछ नए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस टू ग्रो विद अस एंड यस वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर आवर फीडबैक। एंड यहाँ पे मैं एंड करूंगा इसको और पूछना चाहूंगा कि किसी को कुछ क्वेश्चन है या डाउट्स है तो प्लीज एक ही करके आप पूछ सकते हैं। क्रिएटिविटी का नीड है आप लोग और आपकी ईगरनेस का नीड है, क्या हो सकता है बहुत अच्छा स्टूपिड है अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। नहीं सर मतलब ये मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से हम देख रहे हैं उससे ज्यादा नहीं है जैसे बाहर के में है या किसी टाइम पे ज्यादा उनको नॉलेज भी नहीं है, तो एक तरीके से अवेयर कराना फिर से उनको पिच करना जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाना है एकदम। जैसे हमारा मेन पर्पस क्या है निश मार्केट है, ऐसा दो एक फैक्टर है पर यहाँ पे क्या है कि हम जो काम करते हैं हम पहले क्या करते हैं अवेयर करते हैं कस्टमर्स को, हमारे जो हमारे क्लाइंट्स है ना हम पहले उन्हें समझाते हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं,
प्रोसेस बताते कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे। देन हम लोग आते हैं कि आपको हम लोग ये सब चीज़ चालू करना, ये बजट है आपका, हम आपको सजेस्ट करें, हम उसको वैसे प्लान करते हैं। एजुकेशन के साथ में प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं, ये हमारा USP है। तभी जाके मैं इसीलिए बोलता हूँ BMW जैसे क्लाइंट हमारे, मतलब मैं अगर उनको सर्विस दे रहा हूँ BMW कॉर्पोरेट लेवल में होंगे जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे सर्विस देने के लिए, देन मैं अगर करूँ तो वो कुछ समझे हमसे, हमसे वैल्यू देखें, आउटकम होने कुछ मिले, तब जाके हमसे एसोसिएट होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और ये सब अभी गवर्नमेंट का प्रोसेस थोड़ा स्लो रहा है, क्या क्या करता है सोशल मीडिया प्रमोशन करने का ऑप्शन है, गूगल एड्स रन करने का ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, SEO करने का ऑप्शन है, वेबसाइट क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट ही है एक इलस्ट्रेटर। तो मैंने जैसा बताया था इलस्ट्रेटर जो है वो एक पार्ट है, आप वहाँ पे इलस्ट्रेशंस जो भी बना रहे हो उसका एग्जांपल मैंने दिया था स्नैपचैट का एक अवतार है, आप अगर स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो तो आपको एक अवतार मिलता है, उसी को बोलते हैं इलस्ट्रेटर। एंड अगर आप इलस्ट्रेटर बना रहे हैं तो आप इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट भी हैं, तो वो सारी चीज़ें। इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर का नाम भी है, तो कभी कभी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है समझने में कि एक इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट और एक इलस्ट्रेटर यूज़र में डिफरेंस क्या है। ओके, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में मैंने जैसा बताया था तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग और भी सारी चीज़ें। ओके, क्लियर? सॉरी, मैं वही बोल रहा हूँ, लाइक लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में। इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का भी नाम है और इलस्ट्रेटर एक डिजिग्नेशन का भी नाम है। ओके, अब क्लियर हुआ? ग्राफिक डिजाइनिंग में आप कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? मैं यूज़ करता हूँ आफ्टर इफेक्ट फॉर मोशन ग्राफिक्स, ठीक है, एंड स्टार्ट मैंने कैनवा से किया था, तो कैनवा मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, फोटोशॉप यूज़ करता हूँ फॉर मैनिपुलेशन एंड ऑल, एंड इलस्ट्रेटर अगर कुछ प्रिंट का काम है, अगर कुछ वेक्टर डिज़ाइनिंग करना है। एंड आई गेस अभी मैं स्केचबुक भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसा मैंने बताया था कि इलस्ट्रेटर में मैं थोड़ा सा हाथ बैठाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ग्राफिक टैबलेट का ज़रूरत होता है, तो लाइक मैं स्केचबुक भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इवन यहाँ पे सौरभ है जो कोरल में एक्सपर्ट है हमारे, पूरा कोरल का सॉफ्टवेयर हमारा यूज करता है, काफ़ी एक्सपर्ट है डिज़ाइनिंग प्रिंट वगैरह जो अंकित वगैरह की इलस्ट्रेटर भी यूज़ करता है, सेम सौरभ की कोरल और अगर किसी को कुछ डाउट है लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे करियर स्टार्ट करें तो वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि लाइक मेरे टाइम में ऐसा कोई वेबिनार हुआ नहीं था, तब भी मैंने एक स्टार्टअप के साथ लाइक अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें सीखी खुद से ही। तो अभी तुम लोग के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारी चीज़ें पूछने का, सारी चीज़ें समझने का, और हम लोग भी चाहते हैं। देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एंटर करने का कोई एज नहीं है, लाइक इनफैक्ट कोई भी चीज़ में एंटर करने का कोई एज नहीं होता, ठीक है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी थी सब YouTube से सीखा था, ठीक है। उसके बाद जब ऐसा फील हुआ कि नहीं अब थोड़ा सा एडवांस जाना है, तो मैंने लाइक इंटरनेट में कुछ कोर्सेस किए, ठीक है, जिसके कारण लाइक मेरा स्किल जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हुआ। तो ये चीज़ें हैं जो तुम अपने बेसिक से स्टार्ट करने के बारे में अगर तुम सोच रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, बिकॉज अभी इंटरनेट का एरा है और इंटरनेट में तुम्हें सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। किसी को भी क्वेश्चन है ग्राफिक डिजाइनिंग हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, डिजिटल वर्ल्ड हो, किसी भी चीज़ के बारे में, हम आपको फ्रीली फ्री में पूछ सकते, पूछने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में। प्लीज़
सर मेरा एक सवाल है सर, डिजिटल वर्ल्ड से सर, सर हम सब जानते हैं कि हमारे डिजिटल वर्ल्ड आज के ज़माने में बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसा बहुत जगह है कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में कि सर वहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड अभी तक पहुँच नहीं पाया, तो बहुत जगह ऐसे पहुँच भी गया है लेकिन हम लोगों ने डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड उतना कुछ किया नहीं होता, तो उस सिलसिले में सर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए या फिर आप ऐसा कुछ क्रिएटिविटी बना सकते हैं सर उनके ध्यान में ये चीज़ आ सके सर कि डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल मार्केट आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए वहाँ पर पहुँचने के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसमें बहुत हाँ एग्जैक्टली डिजिटल इंडिया के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, देन वहाँ पे हम कंटेंट एंगेजिंग और एजुकेशन पर्पज के लिए हम वहाँ पर रेडी कर सकते हैं। क्या है कि हम एक एजेंसी है जो हम काम कर रहे हैं, हमें हमारे जो जो प्राइमरी काम लोग देखना कर रही है, साथ ही अगर कुछ नया काम आ रहा है इसके लिए हमें आउटरीच करने के लिए हमें गवर्नमेंट का हेल्प मिलना जरूरी है, विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट होगी क्योंकि गवर्नमेंट इंटरनल में काम करता है, हमें पता है कि कहाँ पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, किन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये सब लेकर गवर्नमेंट का रोल साथ में होगा तब जाके इसका डेवलपमेंट हो सकता है। सबके पास अगर हमारे घर फोन भी पहुंच जाए पर लोगों को पता ही है कैसे यूज करना है, फोन का भी नीड नहीं है, नॉलेज वही चीज़ अगर हमसे नॉलेज बना के रेडी है देने के लिए, पर जो भी नहीं वहाँ सुनने को हमें रेडी है कोई फायदा नहीं नॉलेज करना, दैट इज द गवर्नमेंट का हमें रोल जरूरत है इस चीज़ में, तब जाके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट आपको हायर करती है या फिर सर आप अपने से जाते हैं या फिर वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट से क्या गवर्नमेंटल स्कीम्स अभी चल रहा है बहुत सारा जो जो हाईलाइट करना चाह रही है, बहुत सारा गवर्नमेंटल स्कीम चल रहा है क्योंकि रीचेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है ना, तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो आप उसे बस कनेक्ट करके अपना जैसे कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड वाला सबको देख रहे होंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन उसका एग्जाम्पल कर सकते रीचेबिलिटी। अच्छा रीच का बोला देखिए रीच का जो बात अभी बताए सर ने कि आधार कार्ड और ये पैन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ जो वहाँ पे आजकल पहुँच रहा है तो राशन कार्ड लोगों तक पहुँच रहा है तो वो भी टाइम लगा पहुँचने में लोगों तक, वो पाइपलाइन में आने में टाइम लगा, सेम ये भी चीज़ है कि जैसे जैसे लोगों तक पहुँचा अभी डिजिटल रेवोल्यूशन और डिजिटल इंडिया की तो बहुत सारा चीज़ हो रहा है, अभी क्या हो रहा है आपका आधार कार्ड में सब कुछ लिंक हो जा रहा है, हो सकता है कि नियर टाइम में भी आपका जो ऑफिशियल आई डी हो सकता है मुझे नहीं पता आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है उससे आपका जो आई डी है मानी सोशल मीडिया का भी आई डी आधार नंबर से भी लिंक हो सकता है ताकि कोई फ्रॉड नहीं कर सके आपका या कोई आपका फेक अकाउंट नहीं बना सके, आप लोग देखोगे फ्रॉड बहुत सारा चीज चल रहा है तो आपको नहीं पता कि कब कहाँ पे कौन सा चेंज आ जाए शिफ्ट आ जाए मार्केट में और ये चीज नया निकल के आ रहा है, तो वही है कि अपने को टाइम देना होगा इसमें, जैसे सर ने गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारे आए हैं पर सेम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे किसको हायर करता है, ऐसे कंपनीज बहुत सारे हैं जो ये चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं काम कर रहे हैं, मेरे कलीग ही है वो दिल्ली का कंपनी है उसका उसका एक टीम का पार्ट बिहार के इंडिया में जाके सेम चीज पे वर्क कर रहा था, तो यस कंपनीज आर वर्किंग एंड पीपल आर डूइंग, तो विद टाइम हो सकता है आपको समझ सब कुछ आएगा इसमें। और कोई क्वेश्चन ठीक है हां सेठ बोलो डिजिटल मार्केटिंग में पोस्टर और मोशन ग्राफिक्स के बनाए जाते हैं तो ऐड से लिखना तो जोर से बोल डिजिटल मार्केटिंग में केवल पोस्टर ग्राफिक डिजाइन पर करते हैं या फिर ऐड से भी बनाते हैं ऐड फिल्म एड फिल्म तो नहीं बनाते हैं बट आपको लोगों से एसोसिएट करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट को लेकर आपको वर्कआउट करना पड़ता है।
ये आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है, डिजिटल मार्केटिंग इनकॉर्पोरेट मार्केटिंग आपका पीपल ओरिएंटेड रहता है। हाँ प्रोडक्ट्स सभी में रहता है पर उसमें पहले मेन क्या पीपल रहते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें क्या पहले प्रोडक्ट आता है आपका, आपको कौन से प्रोडक्ट को हाईलाइट करना, किस किस प्रोडक्ट को अवेयरनेस दे क्या। एंड ये आई एम टेलिंग यू, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क अगर स्ट्रॉन्ग है तो नियर फ्यूचर आप राइज करेंगे। आपका नेटवर्क का पावर आज में बहुत अच्छा हो रहा है अगर लोग उसके लिए कनेक्ट करें तो। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, SEM सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। एनी मोर क्वेश्चंस? उनको कॉन्टैक्ट करना, मेरे को लिखा होता नंबर यहाँ पे, मेरा सारा इन्फॉर्मेशन है बट फोन नंबर नहीं है वहाँ पे। नम जगह उनका उनका नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। नाम के बगल लिख दो, नाम के बगल नेम के बगल फोन नंबर लिख दो। एनी मोर क्वेश्चंस और कोई क्वेश्चन? सर गवर्नमेंट का स्कोप देखो, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप सब चीज में, अगर आप सही तरीके से लोगों को अवेयर करते हो, बताते हो कि क्या बेनिफिट उनको मिलेगा ना तुरंत इन नियर फ्यूचर, देन यस आपको बताने के लिए उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा है, बी इट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बी इट प्राइवेट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट को आप लोग को आम जनता तक पहुंचना है तो आप एक माध्यम बन सकते हैं, सिंपल आंसर। ये ना गवर्नमेंट के लिए इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, आप गवर्नमेंट के साथ बात करके कर सकते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स को प्रमोट कर सकते हैं, इंटीरियर में जाके अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अच्छा खासा काम कर सकते हैं, करते हैं बहुत सारे लोग ये चीज भी करते हैं। अगर गवर्नमेंट का बात कर रहे हो तो इंस्टाग्राम में भी माई गवर्नमेंट का एक इंस्टा हैंडल है, मगर उसको भी चेकआउट करोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारा वर्क है जो वो गवर्नमेंट कर रही है, वो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी अच्छा काम हो रहा है एंड डिजिटल मार्केटिंग का भी अच्छा काम हो रहा है, तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना उनका पेज, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देख के कि वहाँ पे काम जो है गवर्नमेंट लेवल में भी अच्छा हो रहा है। माई गवर्नमेंट जिन लोगों को इसकी एकेडमिक लर्निंग से जुड़ना है, आप लोग को गवर्नमेंट का पोर्टल का पता है इसके बारे में कौन सा पोर्टल है? www.swayam.gov.in स्वयं, उसमें ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। क्या बोले हम? तो लर्निंग पार्ट के लिए ये है। सो हमने अभी फॉर्म अभी सब कोई को दिया था, तो नाम के बगल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ठीक है, ताकि अगर रीच आउट करना चाहें हम लोग तो रीच आउट कर सकें। ओके हाँ, सलीम सलीम विद दिस और कोई क्वेश्चन है जल्दी से अगर तुम लेना तो कुछ क्वेश्चन है एक बार में अभिषेक, तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। वी थैंक द एंटायर टीम फॉर गिविंग देयर, प्लीज गिव अ क्लैप फॉर देम।